हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे फ्रेश वीडियो में। तो आज हम आपको कैल्शियम का स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन प्रोसेस बताने वाले हैं। ये हमारा कैल्शियम का स्टैंडर्ड है जो 2 ml के पैक में आता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 mg/dL है। तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन और स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल में ये होता क्या है कि जो भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हम उसका स्टैंडर्ड देखते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन में ये देखते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड पर 10 mg/dL का कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड वैल्यू दिया है उतना मशीन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आता है तो फिर रॉन्ग होता है, अगर आता है तो फिर वो राइट होता है। जैसा प्रोसीजर ये है कि 1 ml का वाइल आता है और उसमें हमें 25 माइक्रो में हमें उसमें स्टैंडर्ड लेना रहता है। सेम एज इट इज़ जब हमें किसी भी पेशेंट का टेस्ट करना रहता है तो उसमें भी हमें 25 माइक्रो ही सैंपल लेना पड़ता है, जैसे कि उसका ब्लड प्लाज्मा जो हम यूज़ करते हैं। और उसे हमें 5 मिनट का वेटिंग टाइम होने के बाद में क्या रहता है उसे हम रन करते हैं। लेकिन कभी भी याद रखना फ्रेंड्स कि जब भी हम सैंपल ले या स्टैंडर्ड दे तो हमें कभी भी मेन रिएजेंट सैंपल को सरफेस से ही हमें यूज़ करना है, बल्कि अंदर में पूरा टिप्स को डिप नहीं करना है। तो अभी देखो ये हमारे कलर चेंजेस होने लग गए। तो 3 वाइल क्यों है, 3 वाइल इसके लिए कि एक ब्लैंक जाता है, एक स्टैंडर्ड में यूज़ करते हैं और बचा हुआ जो रिएजेंट रहता है उसी से हमें कॉन्सेंट्रेशन देखना पड़ता है। मशीन को पहले 0 दे दे आप जो भी मशीन यूज़ करते हो। और ये भी जो रिएजेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा पर्टिकुलर एक्यूरेस 80112+ का रिएजेंट नहीं है, वो भी रिएजेंट दूसरे कंपनी का है और मशीन भी दूसरे का है। तो आपको हम दिखा रहे प्रॉपर वे। अब RV दे देना। RV मीन्स क्या होता है, रिएजेंट ब्लैंक होता है। रिएजेंट ब्लैंक देने के बाद फिर स्टैंडर्ड पर क्लिक कर लेना है। स्टैंडर्ड देने के बाद में जो प्रोसेस है वो सिंपली हमें दे देना है। सिंपली देने के बाद कॉन्सेंट्रेशन अब कैसे चेक किया जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए हमें सैंपल पे ही रन करना पड़ता है और जो सैंपल का रीडिंग आता है वो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करता है। अभी देखो हम आपको रन कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी दिखाते हैं। तो अभी इसमें कंफ्यूजिंग वाला बात नहीं है। ये देखो हमारा वाइल पे कॉन्सेंट्रेशन 10 mg/dL है, हमारा आया भी 10 mg/dL है। तो इसका मतलब जो अब हम नेक्स्ट जो टेस्ट करेंगे कैल्शियम का वो प्रॉपर रहेगा, राइट रहेगा, जिसमें कोई इशू नहीं, कोई डाउट नहीं कि रॉन्ग है गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम राइट है टेस्ट। तो आपको अगर और इसका प्रोग्रामिंग का वीडियो चाहिए तो ज़रूर हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।